ঠিক নয়, ঠিক না, কষ্ট ঠিক না, जो भी चीजें देख रहे हैं ये सारी की सारी हमने घर से लाई हुई है। दिखाऊंगा ये साइड देखें, बिल्कुल मौसम खराब हो गया है और बिल्कुल पास आ गई हमारे बारिश, क्योंकि हम हाइट पे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे बारिश को होने के लिए। और मैं आप जा रहा हूँ अब मौसम ने जो है ज़्यारत थोड़ी पीर वो दिखाने लगा आपको। यहाँ पे बहुत ठंड हो चुकी है और बिल्कुल बादल बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं और इस टाइम मैं मौजूद हूँ थोड़ी पीर की ज़्यारत, शायद जिसकी वजह से ये नाम रखा गया थोड़ी पीर। और ये चेक करें दरबार आई थी, ये ज़्यारत चेक करें और इसकी लेफ्ट साइड पे ये चेक करें, लेफ्ट साइड पे ये आई थिंक जो विजिटर्स हैं वो पार तक जाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास टाइम नहीं है और टाइम बचा ही नहीं है घूमने फिरने का। और इस टाइम देखेंगे छोटे छोटे कतरे बरस रहे और चेक करें। मैंने सोचा अपने नाज़रीन को ये दिखा दूँ थोड़ी पीर की जो मशहूर जगह है ज़ियारत जो है, शायद मुझे सही नहीं पता लेकिन शायद इसी की वजह से ये थोड़ी पीर मशहूर होगी। और बैक साइड पे मैं आपको ये पूरा नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पे कज़न्स वगैरह मौजूद हैं, ये देखें वो कुकिंग कर रहे हैं। ये ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मौसम जो है यहाँ का, ये देखें और यहाँ पे मुर्गे वगैरह काफ़ी तरह से सहूलियात मौजूद है। ये अफरा तफरी सा माहौल बन गया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई है और मैं तो भीग रहा हूँ बस, ये व्यू वहाँ पर बारिश के बाद का। और ठंड यकीन मैंने इतनी ज़्यादा हो गई कसम से, मैं पानी चेक करें सारे लोग बाहर निकल चुके हैं क्योंकि मौसम खूबसूरत हो चुका है। देखें बारिश से पहले मौसम देखें, मौसम देखें चेक करें, देखें इस साइड देखें बिल्कुल मौसम साफ हो गया और इस साइड देखें, इस साइड देखें तो बिल्कुल बारिश लगी हुई है, बारिश जा रही है यहाँ पे। और आगे आगे कैसा रहा और कितना एंजॉय किया आपने? अभी बहुत ही मजे का, सर्दी है थोड़ी लेकिन बहुत ही मजे का व्यू भी बना हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ मजा आया, बारिश हुई उसके बाद अभी चिकन वगैरह तैयार हो रहा है, चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, हालांकि देगची में बना रहे हैं लेकिन चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, ठीक है। और अजीर भाई आप बताएं बारिश के बाद का मौसम बताएं, वैसे ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, आप अपने बारे में बताएं। मौसम हो गया एंजॉय कर रहे हैं, हमारे हमें बहुत सारे मौका दिया है जो बारिश हुई है जी, बारिश की वजह से तो देखें बहुत ग्रीनिश हो गई है हर तरफ जी, सब्जा ही सब्जा बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम समझते मैं समझता हूँ कि हम लक्की हैं क्योंकि हम आए बारिश हुई है और इसके बाद बारिश बिल्कुल रुकी है और व्यू पहले बर्फ़ का देखा है बट अब नज़र नहीं आ रहा बर्फ जो व्यू है बर्फ का, बिल्कुल हम बिल्कुल इस वक्त टॉप पर हैं, बिल्कुल टॉप पे ही जाहिर सी बात है। जिया भाई यहाँ का मौसम देखें वैसे कितना बेहतरीन है और सर्विस वगैरह भी अवेलेबल है, कॉल आ रही है मुझे। और ये देखें मैंने वैसे पूरी चादर ओढ़ी है जैसे जैसे कि आपने भी अभी पहनी रखी हुई थी। और ये देखें इतना ठंडा मौसम है, यहाँ अगर आते हैं आप तो ज़रूर लाएँ क्योंकि चादरें वगैरह या कोई गर्म चीज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ का मौसम बदलते वक्त होता वक्त वक्त इतना जल्दी बदल जाता है, मौसम बदल जाता है पता नहीं चलता जी। अब वो अब्बासपुर वाली शहर नज़र आ रही है, ये जो अभी जूम करने लगा मैं, ये वाला अब्बासपुर का शहर है, यहाँ से आगे आप जाएँ तो ये इंडिया की पहाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, जिन पर भारत काबज़ है यानी मकबूजा कश्मीर कह लें हमारा। ये जो आबादी नज़र आ रही है ये तो हमारी साइड है, जैसे आपको ये गाने जंगल आगे नज़र आ रही हैं पहाड़ियाँ तो ये भारत के कब्ज़े में। इसके साथ ही कल तो हमारा टूर है यहाँ गंगा छोटी वाली साइड पर, अभी वहाँ पे बर्फ़ लगी हुई है क्योंकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है ना, तो इस वजह से भी धुंधी पड़ी हुई बर्फ। बैक साइड पे इस साइड अब्बासपुर शहर है और इस साइड जो है हमारी आबादी है पाकिस्तान की, रावला गोटा आज़ाद कश्मीर की। और वो सब बैक साइड पे ना मकबूजा कश्मीर है,
जो कि इस वक्त नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि इस वक्त मौसम बहुत ही ख़राब है, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, और वो दरियापुर नज़र आ रहा होगा आपको, अब्बासपुर सिटी से थोड़ा सा नीचे आते हुए भी मैंने आपको दिखाया था। बट यह कि इस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ये मेरी हालत आप देख सकते हैं, बहुत ठंडा हो रहा है। तैयार हो चुकी है कढ़ाई, इसको हमने थोड़ी देर बाद पकाना है। जमाल भाई ने कढ़ाई तैयार कर ली है, ये लाल सालन भी लाओ, और अभी खाने लगे हैं। ये गन्ना सालन बनाया है, कढ़ाई दिखाना पड़ती है व्यूअर्स को, और साथ स्प्राइट और कोक वगैरह भी है। ये महंगी लगी है, आपने खाना वगैरह खा लिया है, और खाना बहुत अच्छा बना था जबार भाई ने बनाया। जबार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। वो तो क्या बात करता हूँ, और अब हम निकलने लगे बाग के लिए, रात को वहाँ स्टे करेंगे। तो जहाँ पे गाड़ी हमने पार्क किया वहाँ पे आ गए, और ये देख सकते हैं हम पूरी तरह से भीग गए, और हमारी शर्ट को देखिए आते हुए गिरे भी है दो तीन बार, और काफ़ी सफ़र था जाते हुए, तो इतना नहीं फील हुआ, आते हुए हमें पता चला है बारिश जब भीग गए तो फिर पता चला कि कितना सफ़र था। ये सारे कज़न वगैरह भीग चुके हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलता हूँ।